ये अनंत नामों का फल प्राप्त हुआ। समझ रहे जी? अजय आनंद जी फरीदाबाद से। गुरुदेव भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान मैं राधा अष्टमी को श्री राधा रानी जी का विग्रह लेकर विराजमान अपने कुटिया में किया और उनकी सेवा भी करता हूँ। गुरुदेव भगवान क्या अकेले राधा रानी की सेवा करना सही है? नहीं, प्रीतम भी विराजमान करो। महाराज जी पहले से भी एक विग्रह जुगल किशोर के हैं, क्या इन जो राधा रानी लेके बात क्या है कि ये सब मनमानी चीजें नहीं है, ये गुरु आज्ञा के अनुसार होता है। हाँ, जो मनमानी है तो कुछ भी करो, बच्चे बाजार में जाते हैं कुछ भी खरीद लेते हैं, उसे हम उपासना थोड़ी कहेंगे। ऐसे बच्चे जैसी बुद्धि है, उपासना के मार्ग में अगर चला जाता है तो गुरु प्रदत्त श्री विग्रह अर्थात उनकी अनुमति उनकी सहमति से हम लेते हैं, फिर उनके भाव के द्वारा भाव प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा फिर उनकी उपासना में हम लगते हैं। हमारा मन आया चार जुगल खरीद लिए, पांच खरीद लिए। अब ऐसे भी लोग हैं कि केवल जुगल सरकार बैठे हैं, ना मंगला है ना भोग है ना आज, तो मतलब क्या हुआ? वो कोई दुकान में बैठे थोड़ी, उपासना के गृह में बैठे तो उपासना में रत होना चाहिए। अब ये अपने लोग मनमानी करते हैं इसलिए फिर उसका प्रश्न का क्या उत्तर दे? राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रतिया राधत राही, राधा नाम श्याम तब कहीं, ललितादिकन संग से छुपावे। अब सिद्धांत से चलो जो वाणी जी कह रहे, एक क्षण के लिए भी हम प्रिया प्रीतम को अलग नहीं देख सकते। कैसे प्रिया जो अलग विराजमान हो रहेंगे नहीं, केवल आप मूर्ति विराजमान कर लो। और एक प्रिया प्रीतम विराजमान तो दूसरा लाने की जरूरत क्या, उन्हीं में आसक्ति कर लो, उसे 14 विराजमान करने से थोड़ी होगी। अरे एक जगह आसक्ति कर लो, एक युगल सरकार विराजमान, उन्हीं को दुलार करो उन्हीं को प्यार करो तो बात बन जाएगी। अब 14 जगह थोड़ी प्यार होता है, प्यार तो एक ही जगह हो पाता है ना, तो इसलिए भाव से चलो। ज्योति सुखीजा जी हनुमानगढ़।